हर हर महादेव। एक अरुण शास्त्री हैं राजस्थान से, उनका प्रश्न है कि क्या तुलसी काष्ठ को, तुलसी की लकड़ी को अग्नि में डाला जा सकता है? कई लोग डालते हैं, कुछ लोग मना करते हैं कि भाई तुलसी को शव के साथ दहन नहीं करना चाहिए, तो इसका शास्त्रीय पक्ष क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तुलसी काष्ठ को चिता में डाला जा सकता है, और डाला जा सकता ही नहीं है, डालना चाहिए। डालने से ये जो अब बड़े महान पुण्य की उत्पत्ति होती है। दोनों ही पुण्य भाजन बनते हैं। कौन कौन? वो संस्कर्ता जो संस्कार कर रहा है वो, और वो जो मृतात्मा, जो मृत प्राणी है वो, दोनों का ही कल्याण होता है। देखिए, स्कंद पुराण में पूजा प्रकरण में कहा गया है कि दत्वात् तुलसी काष्ठम सर्वांगे सुमृतस्य च पश्चात या कुरुते दाहम सोपि पापात् प्रमुच्यते। दत्वा सर्वांगेषु तुलसी काष्ठम मृतस्य, मरे हुए के सर्वांगे, है ना, सर्वांगेषु सभी अंगों में जो व्यक्ति मर गया तो उसकी चिता पर नीचे और ऊपर पहले उस व्यक्ति को लिटा दो, फिर उसके सर्वांग पर, हर अंग पर तुलसी के काष्ठों को रखता है जो व्यक्ति। सर्वांगेषु तुलसी काष्ठम दत्वा पश्चात यह दाहम कुरते, और बाद में फिर उनका जो है दाह करता है, दाह संस्कार करता है, सो भी पापात प्रमुच्यते, तो वो संस्कर्ता है जो संस्कार करने वाला है, अर्थात मुखाग्नि देने वाला जो व्यक्ति है, वो भी सहापि माने वो भी पापात प्रमुच्यते, पापों से छूट जाता है। ये है तुलसी काष्ठ की महिमा। और देखिए, वो कह रहे हैं, और जिसकी जो 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 मृतात्मा है उसकी क्या स्थिति होती है? बोले तुलसी काष्ठ दग्धस्य न तस्य पुनरावृत्ति। तुलसी के काष्ठ से जो दग्ध हुआ है, जलाया गया है, उसकी पुनरावृत्ति न, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थात वो तो वैकुंठ में यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान के दिव्य धाम को जाता है, जहाँ जा करके फिर जीव लौट के नहीं आता, फिर उसे संसार में नहीं आना पड़ता। इसलिए तुलसी का जो जो चाहते हैं, जो पुत्र आदि हमारे पिता माता का कल्याण हो जाए, तो वे तुलसी काष्ठ का संग्रह करें। और भी हमारे यहाँ तो बड़ी उदात्त जो है भावना है, इसका ये है कि जैसे हमारे यहाँ गांव में देखा गया, हम जब गांव में रहते थे पहले छोटे थे तब भी, कि कोई व्यक्ति किस पूरे गांव में कोई भी जो है मर जाता है, तो सभी गांव वाले अपने अपने घर से वहाँ जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते, कंडे लकड़ी जो लेकर के जाते हैं, तो जो भी जाते हैं बाजारों में, ये है नहीं घर में कुछ है नहीं, तो वही व्यक्ति लेकर के आता है, किसी के घर में लकड़ी ईंधन तो है ही नहीं, खरीदना है तो वही खरीदता है जो जिसका हुआ है। पर फिर भी आप लोग यदि किसी शवदाह में सम्मिलित होते हैं, धर्म बुद्धि से या परिजन बुद्धि से, आत्म बुद्धि से, मित्र बुद्धि से, किसी भी बुद्धि से दान अनुव्रजन करना चाह रहे हैं किसी का, तो ये जो है तुलसी काष्ठ को अपने घर पर, जो तुलसी महारानी जो पूजा करते हैं, फिर बाद में जो उनका वृक्ष जो है पूर्ण हो जाता है, तो उस वृक्ष का जो शुष्क काष्ठ होता है उसका संग्रह करके रखें, कोई भी हो तो उसको जाएं और वहाँ दे दें। बड़ी महिमा तुलसी काष्ठ, अगर चंदन है, आजकल चंदन के नाम पर बड़ी, किसी को लिख दो भाई चंदन ले आना, तो कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि चंदन की अलग से दुकान है या वहाँ से बड़े खोज करके और बड़े सावधानी से ले करके आए, हाँ वही दुकान से कहा तो पंसारी वाले कुछ, ये सफेदा जो पेड़ होता है जिसको यूकेलिप्टस कहते हैं, क्या कहते हैं उसका, जो है पेड़ की लकड़ी या वो अमरूद के पेड़ की लकड़ी को छील करके बढ़िया चिकना रखते हैं, तो उसको मंदिरों में घिसा जा रहा है,
वो कोई चंदन थोड़ी है। चंदन अगर कोई चंदन के अलग से रखते भी हैं तो उस डिब्बे में चंदन का इत्र वगैरह डाल के रखते हैं, तीन चार दिन खूब महक आती है, सुगंधी आती है, बाद में वो सब जो बबूल का या नीम का जो काष्ट निकल पड़ता, तो इससे क्या फ़ायदा। या तो आप जो है जान करके पहचान करके किसी चंदन की काष्ट को घिस करके ही देवता पे लगाएं, शालग्राम पे या किसी पे। आजकल क्या है, लोग वो जो है वृंदावन से यहाँ से ले करके जाते हैं या कहीं तीर्थ से ले आए, वो तो वैसा ही चंदन जिसको अगर माथे पे लगा लो दो चार दिन का, तो वहाँ जो जल करके वहाँ काला चिन्ह बना देता है, वो सब केमिकल है। ऐसे चंदन को चंदन मान करके किसी पे चंदन लिख दिया तो चंदन नहीं हो जाता है, किसी में कोई सुगंधी या पीला रंग मिला दिया तो वो चंदन नहीं है। शुद्ध गोपी चंदन भी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, तो कोई भी मिट्टी ली और उसमें कलर मिला दिया और वो गोपी चंदन के नाम पर चल रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शुद्ध ही भगवान पर समर्पित करें। तो लोगों को क्या है कि वो डिब्बी में डाला, हाथ में घोड़ा लगा दिया, कौन पत्थर रखे कौन घिसे, क्यों भगवान के लिए समय कहाँ है लोगों के पास। लोगों के समय तो न जाने कहाँ कहाँ है। एक दिन गुरुजी से चर्चा हो रही थी कि आज जितनी भी मशीनरी युग है, जितनी भी मशीन है, वो हर चीज़ की मशीन इसीलिए है कि मनुष्य का समय बचाने के लिए। किसी भी हर चीज़ की मशीन है आजकल, तो वो मशीन उस कार्य को जल्दी संपादन करने के लिए और मेहनत कम करने के लिए है। फिर भी मनुष्य के पास ना समय है और ना बल है, क्यों वो आपने जो मेहनत नहीं करी वो बल बचा आपका कहाँ है। वो बल जो आपने वो मशीन से काम कर दिया, जो दो घंटे का काम को जो 10 मिनट में 15 मिनट में निपटा दिया, तो वो समय बचा, वो कहाँ है समय। लेकिन लोगों के पास में पहले खुद करते थे फिर भी समय होता था। इसका रहस्य यही है कि जब तुम भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे, प्रकृति का आदर नहीं करोगे, तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, व्याकरण वाले गुरुजी हैं राम महात्मा जी, वो बतलाते हैं कि यदि प्रकृति का आप समय सदुपयोग में नहीं लाएंगे, यदि समय का आप सदुपयोग नहीं करेंगे, तो आपके समय को प्रकृति निगल जाएगी, आपको समय नहीं मिलेगा। आप जल्दी उठेंगे, सब काम नियम से करेंगे, समय पर करेंगे, फिर देखिए आपको इतना समय मिल जाएगा, उसी में से बस 10-12 दिन में ही इतना समय निकलने लगेगा कि आपके पास काफ़ी समय होगा। आप खुद अपना काम करके दूसरों के भी काम कर सकते हैं, और अन्यथा अपना काम जागना उठना और शौच जाना और खाना, ये भी आप समय पे नहीं कर पाएंगे यदि आप लापरवाही करेंगे, तो अपना काम भी नहीं हो पाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, भगवान के लिए चंदन घिसिए, ये बतला रहा था। अगर नहीं है तो तुलसी काष्ठ जो सूख जाते हैं, तुलसी काष्ठ को भगवान पर घिस करके लगाना चाहिए, इसी को हरिचंदन कहा जाता है। पद्म पुराण में बड़ी महिमा है इसकी, भगवान पर सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, ये जो कहा गया है। तो वो हरिचंदन क्या है, हरिचंदन के दो रूप बतलाए गए हैं, एक तो जो है तुलसी काष्ठ अथवा मलयगिरि संभवम, मलयगिरि पर्वत का ये जो सुंदर सुगंधित सुरभित जो काष्ठ होता है उसको घिस करके भगवान पर लगाना, तो ये है। तो ये मृतात्मा के भी चंदन घिस करके तुलसी काष्ठ लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए, बड़ी महिमा है, और तुलसी काष्ठ से दहन करना चाहिए। तो उस करने वाले कर्ता की और उस मृतात्मा की दोनों की ही सदगति होती है, ये ध्यान रख करके। दूसरों का आप कल्याण करेंगे, दूसरों के काष्ठ आप डालेंगे, तो आप जब मृत होंगे तो लोग आपके में भी डालेंगे, ये भी ध्यान रखना। इसलिए आपका कल्याण तो हो ही जाएगा जब आप दूसरों का करेंगे, तो किसी के में भी जाएं तो ये भावना रखें भाई इस जीव का कल्याण हो जाए, और वहाँ तुलसी काष्ठ का प्रक्षेप करना चाहिए। हर हर महादेव।